आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर तमाम जो योग में जिनका अटूट विश्वास है और जो योग करते हैं और योग का जो फायदा लेते हैं उन सबको बधाई, और जो योग पर राजनीति करते हैं और जिनके 56 इंच के पेट हो चुके हैं, योग का जिनके ऊपर कोई असर नहीं, योग के बजाय जो भोग में विश्वास करते हैं, उनका मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जनता क्या असर करेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन योग दिवस पर अगर हम देखें जो लोगों के बीच में से मीडिया से जो बात निकल कर के आई है कि एक इवेंट जो छोटा इवेंट है, बड़े इवेंट की नहीं कह रहा मैं, एक ज़िले के अंदर जो इवेंट होगा 40 से 50 लाख रुपए का टेंडर उसके लिए दिया गया है, जहां प्रधानमंत्री जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री जाएंगे, जहां और उनके पार्टी के बड़े नेता जाएंगे, वहां वो राशि करोड़ों में चली जाती है। और अगर हम ये माने कि 650 जगह शहरों में जो ये हर ज़िले में भी कर रहे हैं, अगर योग होता है तो करीबन 260 करोड़ रुपए का तो सीधा सीधा ये पैसा उस पर, और पूरी दुनिया में भी है सरकारी खर्चे के ऊपर, तो 500-700 करोड़ रुपए से कम इस योग पे नहीं लगता है। लेकिन उसका फ़ायदा कितना होता है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि एक दिन के योग से मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा लाभ उसमें किसी को पहुंचता है। एक अपने आप में ये कहीं ना कहीं अपने चहेतों को फ़ायदा देने की ये कोशिश है, और अगर यही पैसा इस तरह के जो बड़े दिखावे करने की बजाय हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको दुरुस्त करने पे खर्च किया जाता तो आज बिहार जैसी घटनाएं नहीं होती, जहां 130 से ज़्यादा बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है, वहां भी वो सरकार में हिस्सेदार हैं। मुजफ्फरपुर की घटना आपने सबने देखी, कह रहे लीची खा के बच्चे मर रहे हैं, देखिए। तो हम तो यही कहेंगे कि अब सरकार को झांसे देना बंद करना चाहिए। आज देश में सिर्फ 11 लाख डॉक्टर हैं और 11 से 12 हज़ार लोगों के ऊपर एक डॉक्टर पूरे देश में एवरेज आता है। इन्होंने कहा था कि हम हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, मैं तो हरियाणा की चर्चा कर लूँ, बाकी देश में तो क्या हो रहा है वो हम उसकी चर्चा क्या करेंगे। लेकिन आज तक कोई एक नया मेडिकल कॉलेज ये सरकार नहीं खोल पाई है। कानून व्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में है। अगर हम उठा करके देखें रोज़ कुछ ना कुछ, ये अखबार में कल का है, मैं देख रहा था एक पेज, इसमें पूरा जो सरकार के खिलाफ एजिटेशन है, ये देखिए पूरा पेज है। कंप्यूटर वालों की हड़ताल है, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का रोष है, हरियाणा राज्य ये इसमें ऑनलाइन मजदूर निर्माण परेशान है, किसानों का प्रदर्शन है, वन मंडल के मजदूरों का है, इस तरीके से पूरे पूरे पेज रोज आते हैं। और कहीं चोरी डकैती, जिस तरीके से अपराध बढ़ गया है पूरे प्रदेश के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि इन मुद्दों को लेकर के मैंने हमारे यहाँ स्थानीय नेताओं से भी चर्चा करी और भी प्रदेश के जो हमारे दूसरे नेतागण हैं और आगे जिन साथियों को खासतौर पे चुनाव लड़ना है उन सबसे भी ये कहा कि जनता के मुद्दों को और बेबाकी से वो लेकर के जाएं, उनके लिए संघर्ष करें। बिजली पानी के जिस तरीके से बिल आए हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बार बार इस बात को दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये कहा कि मैं अभी हम ताज़ा चुनाव लड़के हटे हैं और पीछे से जिस तरीके से एक पूरी मैनेजमेंट होती है, क्योंकि सारे प्रदेश के सीनियर लीडर लड़ रहे थे तो मैनेजमेंट कैसे होती सारा, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जो लोग चुनाव लड़ लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जो चुनाव लड़ लिए उनको दूसरों को मौका देना चाहिए, और हमें अपनी अपनी पूरी मजबूती से किलेबंदी करनी चाहिए अपने अपने इलाकों में, जहाँ से सांसद का चुनाव लड़े रहे या पार्टी के और वरिष्ठ नेता हैं, दूसरे लोगों को तो मौका मिलना चाहिए ना। बाकी अशोक तंवर कभी मैदान छोड़ने वालों में से तो है नहीं, तो इसलिए
इसको दूसरे तरीके से हमें नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से देना चाहिए कि हमें पार्टी के लिए त्याग करना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। ये गुटबाजी मैं उसको नहीं कहता, मतभेद लोगों के होते हैं और मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह की परिस्थिति बनी है सब लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर हम तरेंगे तो एक साथ तरेंगे, डूबेंगे तो एक साथ डूबेंगे, तो इसलिए सब लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और ये कार्यकर्ताओं की और प्रदेश की जनता के लोगों की भावना है, जनता आज भी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी आए, कार्यकर्ता जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी ये चाहते हैं कि मिल करके सब लोग लड़ें, तो उनकी भावना के अनुरूप मैं पहले भी काम करता था और आज और मजबूती से लगा हुआ हूँ ना। हमने तो पहले भी कोशिश करी भाई, हमारी तो कोशिश हमेशा चलती रही कि सब लोग मिल के चुनाव लड़ें। अच्छा, अब तो दूसरों को कोशिश और पहल करनी चाहिए और उसमें उनको पूरा सहयोग मेरा मिलेगा। अब जहाँ भी है वो आगे ठीक होगी, अब तो हम यही कहेंगे कि ठीक होगी, पीछे की बातें भूल करके सब लोगों को वो करना चाहिए और बीती ताई बिसार दे, आगे की सुधी ले, सुधार होना चाहिए आगे का, बस हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। एक और भी बात है, आज जो है जो पागल मंत्री है एक, उसका भी स्वास्थ्य मंत्री नहीं कहूँगा, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट इसलिए दिया गया था कि वो अपना इलाज करवाए सबसे पहले, लेकिन 5 साल बीतने वाले हैं, पागल मंत्री और ज़्यादा पागल हो गया है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है और अगर लोगों ने हरियाणा की जो चाहे अरावली की पहाड़ियाँ हो, जंगलात की ज़मीन हो, अगर उसके ऊपर कोई गलत तरीके से उसको खरीदेगा या कब्जा करने की कोशिश करेगा तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि हम उन मामलों को उठाएं। अब पता नहीं इन सब के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या कहाँ दर्द हो रहा है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन दर्द है इनके बहुत, इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। अब बाबा रामदेव को लाला रामदेव नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई, उनकी संपत्ति देख लो, अगर तेरी हिस्सेदारी है मोरनी में या कहीं और तो फिर परेशानी क्या है। तो इस तरह का अब आज उन्होंने कुछ बयानबाजी करी है, तो मैं समझता हूँ कि लोग जल्दी उस चीज़ का वो भी हिसाब भी लेंगे। जब चुनाव में जाओगे आप लोग, भारतीय जनता पार्टी का भी तो देश का चुनाव था, अलग मुद्दे थे, अलग वो था, इसलिए इस तरह की जो बातें हैं उससे उन लोगों को परहेज करना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। लड़ाई तो सीधे सीधे बीजेपी से होनी है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से वोट लेके गई, लोगों को बड़ा मन में पीड़ा है कि भाई ये गलत हो गया, तो अब समय जब आएगा 2-3 महीने के बाद लोग फिर फैसला पलट देंगे। जैसे और प्रदेशों में रहा, दिल्ली में 2015 में हुआ था, लोकसभा के 5-6 महीने बाद चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिली थी। इसी तरीके से अभी उड़ीसा के अंदर चुनाव हुए हैं, लोकसभा विधानसभा दोनों बहुत फर्क आया है, और मैं समझता हूँ कि हरियाणा भी उन राज्यों में से होगा जहाँ हम बड़ा परिवर्तन देखने को, हरियाणा की जनता यहाँ पर तैयार है। और इसीलिए मैंने कहा इन्हें लो JJP, ये तो सब स्थापित हो गए कि बी टीम है उनके, BEC जो भी आप इसको कहो, और इसलिए वो वोट भी इधर आएगा और जो वोट वहाँ चला गया BJP की तरफ उसको भी मैं समझता हूँ कि हम वापस लाने में कारगर साबित हो। हमने तो पहले भी कहा, मैं 2 चुनाव में भी हमने पूरी कोशिश करी और जहाँ अकोमोडेट हो सकता था कुछ साथियों को हमने मौका भी दिया, और अभी भी बात आई है सिरसा पार्लियामेंट में कम से कम 1-2 सीटें और हम इसको बढ़ाने का काम करें, जो हमारे सिख समुदाय के साथी हैं और भी जो ऐसी कम्युनिटी हैं जिनका प्रतिनिधित्व तो नहीं रहा, लेकिन उन लोगों को भी और मजबूती से आगे आना पड़ेगा। बहुत से ऐसे सामाजिक यहाँ पर हमारे साथी हैं जिनका आबादी के हिसाब से देखें तो अच्छी खासी संख्या है, तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, हर पार्टी में मिले, हमारी पार्टी अपनी तरफ से और ज़्यादा कोशिश करेगी, चाहे वो बैकवर्ड समाज है, चाहे और दूसरी हमारे सिख समाज की आपने चर्चा करी, या जिन लोगों की भागीदारी कम है उनकी भागीदारी को भी हम सुनिश्चित करेंगे। पहली बात तो ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि कहाँ आप जैसे किसी प्रदेश में सरकार गिर गई, पूर्ण बहुमत नहीं है, अलाइज हैं, तो वो क्या वेट करेंगे अगले 4 साल तक कि वहाँ कोई सरकार ना हो या राष्ट्रपति शासन हो? तो इस तरीके से ये संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है, जहाँ संघीय ढांचे में ढांचे का प्रावधान है, लोकतांत्रिक प्रणाली के भी खिलाफ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये
इन बातों के ऊपर चर्चा छोड़ करके जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं लोगों से, उन वायदों को पूरा करें। इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है कि एक चुनाव हो, दो चुनाव हो। अभी क्यों नहीं किया, यहाँ तीन महीने पहले कर, अभी मौका तो था। हरियाणा में क्यों नहीं करवाया लोकसभा से पहले चुनाव? ये जो पांच राज्यों में अभी जा रहे हैं, इसमें से महाराष्ट्र और हरियाणा, उसके बाद झारखंड, इन सारे प्रदेशों में तो सरकारी भाजपा की थे, तो कैंसिल करके इतने ही वो विश्वास करते थे इसमें, तो उनको करना चाहिए था। ये सारी स्टंटबाजी है जिसको अब छोड़ देना चाहिए और ज़मीन पे उतर करके सरकार को काम करना चाहिए, उसी की आवश्यकता है। ये तो जो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, जो 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 आरोप लगाते हैं उन्हीं की वजह से ये ब्लॉक और जिलाध्यक्ष आज तक नहीं बने। अगर वो चाहते मदद करते तो मैं समझता हूँ अभी तक तो जिला और ब्लॉक नहीं, ज़मीन पर और नीचे तक संगठन होता। पन्ने की बात करती है बीजेपी, पन्ने से भी नीचे और हम जो एक एक व्यक्ति पे एक एक आदमी लगा देते, लेकिन संगठन जो है वो और पदाधिकारी हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी कहना कि संगठन तो हजारों पदाधिकारी काम कर रहे हैं एक एक संगठन के अंदर, तभी तो 6% वोट बढ़ गया। ऐसे ही थोड़ा बढ़ गया भाई, कोई हवा में बढ़ रहा है क्या वोट? मैं कह रहा हूँ जिसका भी था, नहीं और भी बहुत लोग हैं जो जब हार जाते हैं तो कहते हैं संगठन, भाई संगठन तुम्हें पहले नहीं दिखता था कि संगठन की ज़रूरत पड़ेगी, चुनाव आ रहे हैं, उस टाइम क्यों नहीं किया? आज भी वो तो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है जिला ब्लॉक की, तो बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? हमारा तो 1.5 साल हो गया जमा किए हुए, अभी भी AICC PCC ब्लॉक के अध्यक्ष निकलवाओ ना उनको, देख ले तुम्हारे में भी कितनी हिम्मत है। नहीं, यह नहीं होता, हमारे ऊपर से अप्रूवल होता है, हमारा काम होता है सबमिट करना। ये कोई रीजनल पार्टी नहीं है चौटाला प्राइवेट लिमिटेड की, यहीं से साइन करे और हो गया।